पुलिस महानिदेशक डीजीपी संजय कुंडू ने सुजानपुर में पहुंचकर यहां पर बनकर तैयार हुए थाना प्रभारी निवास भवन का शुभारंभ किया। डीजीपी सुजानपुर से होते हुए डरोज जिला कांगड़ा में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वे दोपहर करीब 2:30 बजे सुजानपुर पहुंचे, जहां उन्हें सबसे पहले जिला पुलिस विभाग के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी, सुजानपुर थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री, एसडीओपी पालमपुर के साथ साथ अन्य कर्मचारियों ने उनका यहां पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डीजीपी ने विधिवत रिबन काटकर थाना प्रभारी निवास का शुभारंभ किया। नए बने इस भवन का अवलोकन करके यहां पर दोपहर का भोजन भी ग्रहण किया। इसके बाद वे थाना परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। यहां पर उन्होंने संतरे का पौधा लगाया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए ब्यास पुल तक पहुंचे, जहां से वे अपनी गाड़ी में बैठकर जिला कांगड़ा के लिए रवाना हो गए। अपने संदेश में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी पालना करें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। मास्क पहनना सुनिश्चित करें और जुर्माने से बचें।